नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे। जब हम कोई भी योगा करते हैं, जब हम कोई भी आसन लगाते हैं, तो उस आसन को करने से पहले हम अपने शरीर को कुछ ऐसा करें कि हमारे शरीर से जो जितने भी ब्लॉक एनर्जीज हैं, जिनको हम कई बार समझते हैं कि हमारे गैस अटक गया है या कोई मसल पेन है या ऐसा कुछ, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली, तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, पर एक्चुअली ये है हमारे अंदर की ब्लॉक एनर्जीज जो कि दर्द करती है। जॉइंट्स के बीच में, दो जॉइंट्स के बीच में ब्लॉक एनर्जीज हो सकती हैं। अब हम इन ब्लॉक एनर्जीज को कोई भी आसन करने से पहले हटाना बहुत जरूरी है। तो इन ब्लॉक एनर्जीज को हम कैसे हटा सकते हैं, तो हम अपनी योगा की प्रैक्टिस शुरू करते हैं उससे पहले लगभग 10-15 मिनट इन जो छोटे छोटे व्यायाम हैं, ये जो छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके पूरे शरीर की जो एनर्जी है उसको रिलीज करेगा और हमारे हाथों पैरों गर्दन में कहीं पर भी कोई दर्द या कोई भी ऐसा पेन या ऐसा कोई तकलीफ हमें नहीं होगी जिससे आपको कोई भी आसन करने में दिक्कत आए, या आपके जीवन में भी, नॉर्मल जीवन में भी अगर आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर पे रहते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं छोटे छोटे से आसन कौन से हैं। तो हम जब भी शुरुआत करते हैं इस तरीके से, हम जब बैठते हैं ये हमारी होती है प्रारंभिक स्थिति। तो अब जब भी योगा के लिए बैठे, सबसे पहले आप इस तरीके से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच करके पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी। अभी हम सिर्फ अपने पैरों की उंगलियों को फोल्ड करेंगे और रिलीज। जब हम अपने पैरों की उंगलियों को फोल्ड करेंगे आगे की ओर, एक्सहेल, और जब हम अपने पैरों की उंगलियों को पीछे की तरफ लाएंगे, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल। 8 से 10 बार हम इस तरीके से अपने पैरों की उंगलियों को पूरी तरीके से फोल्ड करें और रिलीज। इसके बाद हम अपने पैरों को एंकल से पूरा गोल गोल घुमाएं, अपने पैरों को पूरा गोल गोल घुमाएंगे एंकल से एक डायरेक्शन में 8 से 10 बार तक, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में 8 से 10 बार तक हम अपने पैरों को अपने एंकल से पूरा घुमाएं। यहां से हम अपने पैरों को फोल्ड करते हुए राइट लेग को उठाएंगे लेफ्ट लेग के ऊपर, पीछे जहां से हमारा पैर शुरू होता है, हमारी कमर शुरू होती है, वहां पे रखेंगे। इसको हम पूरा नीचे की ओर दबाएंगे ताकि हमारे पूरे पैरों की जो मसल्स हैं पूरा स्ट्रेच होगा आगे की ओर। थोड़ी देर इसी प्रकार हम अपने पैरों को नीचे की ओर दबा कर रखें और फिर उठा करके पूरा ऊपर अपने पेट से, सीने से अपने पूरे पैर को चिपका लें, अपनी हिप मसल्स को पूरा फ्री रखें और ऊपर की ओर खींच कर रखें अपने अपर बॉडी और अपने पैर दोनों को। अर्ध तितली आसन थोड़ी देर राइट लेग से करने के बाद सेम चीज हम लेफ्ट लेग से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को उठाएं राइट लेग के ऊपर पीछे और अपने घुटने को नीचे की ओर दबाएंगे। 8 से 10 सेकेंड इस तरीके से होल्ड करने के बाद फिर हम अपने पैर को उठा करके पूरा ऊपर अपने पेट से, सीने से चिपकाएंगे ताकि हमारी पूरी मसल्स, हमारे कमर से, हिप से और पूरा पैर हमारा ऊपर की ओर खिंचाव होगा। अर्ध तितली आसन तो 8 से 10 बार इस बार हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से। 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। 8 से 10 सेकेंड हर एक पोजीशन में होल्ड करें अपने आप को और फिर दूसरी पोजीशन में। अर्ध तितली आसन के बाद हम आ जाएंगे पूर्ण तितली आसन में। पूर्ण तितली आसन दोनों पैरों को फोल्ड करें और इस प्रकार अपने हील्स को अपनी पेरनिया के नजदीक लाते हुए और दोनों पैरों को चलाना शुरू करेंगे। आपके दोनों पैर ऊपर आए, एल्बो से टच हो और नीचे हमारे मैट से टच होंगी। पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी रहनी है। इनहेल एंड एक्सहेल ये हम करते रहें बिना रुके। इनहेल और एक्सहेल आराम आराम से लंबा गहरा सांस। अपना ध्यान हमारे पेल्विक रीजन, हमारे इनर थाइस, इससे हमारे पैर की सारी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, जो भी ब्लॉक एनर्जीज हैं वो रिलीज होती हैं। अर्ध तितली आसन और पूर्ण तितली आसन ये दोनों आसन, जिन लोगों को पद्मासन नहीं लगता, जिन लोगों के दोनों पैर फोल्ड होकर के पद्मासन नहीं लगता, उनके लिए अर्ध तितली आसन और पूर्ण तितली आसन
बहुत ही अच्छे आसन है। अगर आप इन आसन को करते हैं तो धीरे धीरे आप आराम से पद्मासन में आ जाएंगे। चलिए, पद्मासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को हम अपने सामने लाएंगे, पूरी तरीके से स्ट्रेच करें और बंद करेंगे। बंद करने का तरीका, अंगूठा हम अंदर रखेंगे, उंगलियां ऊपर से कस के बंद करेंगे, कस के खोलें। इस तरीके से हम 8 से 10 बार तक एक राउंड या दो राउंड हम इसको कर सकते हैं, ताकि हमारे पूरे हाथ, जब हम अपने उंगलियों को स्ट्रेच करते हैं, पूरे हाथ की मसल्स एक्टिवेट होती हैं। तो इस प्रकार हम अपने हाथों को खोलना और बंद करेंगे, ताकि पूरी एनर्जी हमारी रिलीज हो। अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे और अपने रिस्ट को पूरा गोल गोल घुमाएं एक डायरेक्शन से, और फिर यही चीज हम अपोजिट डायरेक्शन से भी करेंगे, 8 से 10 बार तक, 1 से 2 राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम लोगों ने शुरू किया, सबसे पहले हमने अपने पैरों की उंगलियों को पादंगुली नमन गुल्फ चक्र, तो हमने अपने पैरों को पूरी तरीके से स्ट्रेच किया, उसमें जो ब्लॉक एनर्जीज थी उनको रिलीज करा। उसके बाद हमने अपने घुटनों को, अपने कमर की मसल्स को इसको खींचा ऊपर की तरफ, अपने हाथों की एक्सरसाइज करी, मुट्ठियों को बनाया, मुट्ठियों को रोटेट किया। अभी हम यहाँ से ही अपने हाथों को फोल्ड करें और अपने शोल्डर्स के ऊपर स्कंद चक्र, अपने शोल्डर्स को पूरा रोटेट करते हुए, घुमाते हुए, आगे से एल्बो को टच करते हुए, अपनी बाइसेप्स को कान के पास और फिर पीठ को पूरा पीछे दबाते हुए नीचे की ओर। जब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे, इनहेल, हाथ नीचे की तरफ आए, एक्सहेल। सांसों पर पूरा ध्यान रखते हुए पीठ, कमर, गर्दन हमारी सीधी, पूरा इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार हम 8 से 10 बार तक एक तरफ से, और फिर हम दूसरी तरफ से सेम चीज को इनहेल और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींचें और एक्सहेल करते हुए नीचे। जब भी हमारे हाथ ऊपर जाएंगे, इनहेल, हाथ नीचे की ओर आए, एक्सहेल। सिर्फ हमारे शोल्डर ही नहीं, हमारे स्पाइन और हमारे शोल्डर बैक्स, इनका पूरा मूवमेंट होता है। और जब इनका पूरा मूवमेंट होता है तो जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं वो सारी रिलीज होती हैं, और हमारे जो हाथ पैर है, शोल्डर्स हैं, गर्दन है, इनमें कभी दर्द नहीं आता है। तो लास्ट हमारे गर्दन के लिए है ग्रीव संचालन। तो ग्रीव संचालन के लिए हम अपनी कमर को, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखें, सिर्फ अपनी गर्दन को हम नीचे की ओर लाएंगे, अपने चिन को कॉलर बोन से टच करना है, यहां पर ही होल्ड करेंगे थोड़ी देर, 8 से 10 सेकंड तक हम होल्ड कर सकते हैं, और फिर धीरे से अपनी गर्दन को वापस ऊपर लाते हुए पूरी तरीके से पीछे की ओर स्ट्रेच कर दें। 8 से 10 सेकंड तक हम यहां पर होल्ड करेंगे और फिर वापस। जब भी हम होल्ड करते हैं तो उसमें इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस ये है कि आप कंफर्टेबली इनहेल और एक्सहेल करते रहें। इसके बाद हम अपनी गर्दन को राइट साइड मैक्सिमम पीछे की ओर देखने की कोशिश करें, और जितनी गर्दन घूम सकती है उतनी गर्दन को घुमाएंगे। सेम चीज हम अपने लेफ्ट साइड में भी अपनी गर्दन को पूरा घुमाएं पीछे की ओर, और जितनी देर हम होल्ड करते हैं 8 से 10 सेकंड तक, और फिर वापस। इसके बाद हम अपनी गर्दन का पूरा 360 डिग्री का रोटेशन करेंगे, आगे की ओर झुकाएं अपनी गर्दन, स्लोली रोल ओवर टू योर राइट शोल्डर, पीछे की ओर जाते हुए इनहेल, आगे की ओर आते हुए एक्सहेल। ये भी हम 8 से 10 राउंड तक एक डायरेक्शन में, और फिर 8 से 10 बार दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन से इसको कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब हमारी गर्दन पीछे जाए, इनहेल, गर्दन आगे आएगी, एक्सहेल। आपको अपने चिन को कॉलर बोन से टच करना है, कान हमारे शोल्डर से टच होते जाएंगे, और सिर्फ अपनी गर्दन पर ध्यान देते हुए पूरा घुमाएं।
ये एक्सरसाइज अगर आप रोज करते हैं तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस जैसे अगर आप स्कंद चक्र करते हैं और ग्रेव संचालन, ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कभी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, सारी मसल्स मूवेबल है, कोई भी स्टिफ मसल्स नहीं है। तो अभी मैंने आपको जो ये छोटे छोटे से आसन बताए, ये आसन अगर आप अपने योगाभ्यास से पहले 10 से 15 मिनट तक अगर इनको करते हैं, या कोई भी आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप योगा में आसन अगर आप नहीं भी लगाते हैं, आप रनिंग के लिए जाते हैं, आप जॉगिंग के लिए जाते हैं, आप जिम जाते हैं, तो कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, या अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी अगर आप रोज सवेरे उठ करके इन छोटे छोटे एक्सरसाइजेस को अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, आपको कभी कोई दिक्कत, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, दूसरों के साथ में शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।